हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आई एम आयुषी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड स्टे सेफ। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए साथ एक डीआईवाई किट का रिव्यू शेयर करूंगी जो कि मेरे पास आई है इंडस वैली की तरफ से। मैं आपको बता देती हूँ कि इंडस वैली एक 100% नेचुरल और ऑर्गेनिक ब्रांड है जो काफी सालों से स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बना रही है और ये FDA अप्रूव्ड भी है और इसके प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ केमिकल्स है, फ्रेश है और इनकी शेल्फ लाइफ भी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे क्या मिला है इंडस वैली की तरफ से। मुझे मिली है ये DIY किट, ये रोजहिप ऑयल और ये हेयर केयर के लिए मुझे मिला है अर्गन ऑयल। तो ये तीन प्रोडक्ट्स मुझे मिली है इंडस वैली की तरफ से। सबसे पहले मैं आपको इसकी DIY किट दिखाती हूँ। DIY किट का मतलब है डू इट योर सेल्फ, यानी कि इसमें कुछ प्रोडक्ट्स है जिनसे हमें अपने आप फेस पैक बनाने पड़ेंगे। ये है इसकी आउटर पैकेजिंग जिसकी प्राइस है 423 रुपीज। 423 रुपीज बहुत ही अच्छी किट है। ये है इसकी आउटर पैकेजिंग व्हाइट और ग्रीन कलर की जिसमें की ब्रांड का नेम दे रखा है इंडस वैली बायो ऑर्गेनिक और इसमें भी लिखा हुआ है DIY कॉम्बो ब्यूटी किट डू इट योर सेल्फ और इस किट का नाम है स्किन फेस डिटॉक्सिफाइंग स्क्रब पैक। इसमें 5 प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ्रंट से तो ऐसी है कार्डबोर्ड पैकेजिंग, बैक से इसमें सारी डिटेल्स हैं कि इसमें क्या क्या है, कहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड है, इस पैकेट में क्या कंटेंट्स हैं, प्राइस एंड एक्सपायरी। इसकी एक्सपायरी 3 साल की है। तो ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये कुछ इस टाइप से ओपन होती है और ये है इसमें कुछ प्रोडक्ट्स। ये इसकी रेसिपी बुक है, ये सैंडलवुड का फेस पैक, यह मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक एंड ये है वुड चारकोल का फेस पैक। ये है इसमें एलोवेरा जेल और यह है पेपरमेंट का ऑयल। कोई पाउडर अंदर से कुछ इस टाइप के दिखते हैं, ये कुछ इस टाइप के पैकेजिंग में आते हैं। ये तो मैंने आपको वुड चारकोल का दिखाया है, मुल्तानी मिट्टी और सैंडलवुड का भी इसी टाइप का है। और ये है इसकी रेसिपी बुक। रेसिपी बुक मीन्स की इसमें DIY के बहुत सारे मेथड्स दे रखे हैं कि आप किस किस तरीके से DIY कर सकते हैं, प्लस इसमें और कौन कौन सी किट आती हैं। और अब आप देखिए मेरा DIY की मैंने कैसे DIY किया है और मेरे स्किन पर उसका क्या इफेक्ट। गाइज, इस DIY के लिए सबसे पहले मैंने 1 चम्मच सैंडलवुड पाउडर लिया है एंड 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर फॉर बाइंडिंग। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच एलोवेरा जेल एंड 2 to 3 ड्रॉप्स पेपरमेंट ऑयल के। इसमें पानी डाल के इस कि एक पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी का बना लेंगे। मैं कुछ इस कंसिस्टेंसी का इसे बनाना है और अब हम इसे अप्लाई करेंगे अपने फेस पर। ये मैंने DIY फेस पैक बना लिया है, अब मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करूंगी। हमें इसे इवनली अपने फेस पे स्प्रेड करना है। फ्रेंड्स, मैंने ये अपने फेस पे लगा लिया है और अब मैं आपको मिलती हूँ इसको सूखने के बाद। 15 या 20 मिनट्स में ये सूख जाएगा, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस, अब मैं आपसे 15 मिनट्स के बाद मिल रही हूँ, लेकिन आप देखिए ये मेरा काफी जगह से सूख गया है, ठंड है इसलिए ये बहुत पूरा नहीं सूखा है, काफी जगह से सूख गया है। अब मैं इसे आपको क्लीन करने के बाद मिलती हूँ और दिखाती हूँ मेरी स्किन पे ग्लो। गाइस, मैंने इसको वॉश कर लिया है और आप देखिए मेरी स्किन कितनी क्लियर दिखाई दे रही है, कितनी हाइड्रेटेड ग्लोई दिखाई दे रही है। देखिए देखिए ग्लो और क्लियर कितनी हो गई है स्किन। वैसे भी अगर आप कोई भी फेस मास्क यूज करेंगे तो एक बार में अपना इफेक्ट नहीं दिखा रहे, आपको कुछ टाइम के लिए उसे यूज करना पड़ेगा। और जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं अगर उनको आप अपनी स्किन पर लगाएंगे तो आपकी स्किन पर कोई हार्म भी नहीं होगा। एंड हमें फेस मास्क लगाने पर अपनी स्किन को ऐसे ही नहीं छोड़ना, इसके ऊपर हमें सीरम या मॉइस्चराइजर भी लगाना है। तो आज मैं यूज कर रही हूँ ये इंडस वैली का ही सीरम, ये उसका रोजहिप का सीरम। ये भी मुझे इंडस वैली से ही आया था, उन्होंने ही मुझे सेंड किया था। ये है उसकी आउटर पैकेजिंग और ये है इसकी इनर पैकेजिंग, क्योंकि मैं इसे भी यूज कर चुकी हूँ। यह हमारी स्किन को बहुत ही अच्छी तरह से नरिश मॉइस्चराइज करता है और एक अच्छा ग्लो लेके आता है। और हमें सीरम हमेशा अपने मॉइस्चराइजर लगाने से पहले यूज करना चाहिए। यह है इसकी कंसिस्टेंसी, लुक एट दिस, कुछ इस टाइप की कंसिस्टेंसी में आता है ये लिक्विडी। और ये मैं अपने फेस पे लगाने जा रही हूँ और ये बहुत ही जल्दी हमारी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाएगा।
सीरम मैंने लगा लिया है, मेरी स्किन पे एब्जॉर्ब हो गया है देखिए, और इस सीरम ने मेरी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट एंड सफल बना दिया है। वैसे भी मैं रोजिप का सीरम यूज करती हूँ अपने डेली यूज में, पर इंडस वैली का मैंने पहली बार यूज किया है। ये मैं अराउंड 1 वीक से यूज कर रही हूँ, तो इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है और ये प्राइस वाइज भी बहुत अच्छा है। इसकी प्राइस है 399 rupees 15 ml ऑफ द प्रोडक्ट की। सो देखा आपने, इसने भी स्किन को कितना क्लियर बना दिया था। प्लस मैंने आपको इसके एक और प्रोडक्ट रोजिप ऑयल के बारे में भी बताया था। लास्ट हमें जो थर्ड प्रोडक्ट इससे मिला था वो है हेयर केयर ऑयल, बायो ऑर्गेनिक का हेयर केयर अर्गन ऑयल फ्रॉम मोरक्को। बहुत ही अच्छा ऑयल है ये भी, और इसकी प्राइस है 499 rupees 60 ml ऑफ द प्रोडक्ट क्वांटिटी। यानी एक बहुत ही प्योर ऑयल है, जिसे आप अगर अपने हेयर्स में लगाएंगे तो आपके हेयर्स नरिश्ड रहेंगे, मॉइस्चराइज्ड रहेंगे। और इस ऑयल में विटामिन ए, ई और एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो आपके हेयर को बहुत ही अच्छा बनाएंगे। आप इन तीनों प्रोडक्ट को डेफिनेटली ले सकते हैं। ये आपको बायो ऑर्गेनिक की साइट पे यानी इंडस वैली की साइट पे भी मिल जाएंगे। ये आपको अमेजोन, पर्पल, नायका कहीं पर भी अवेलेबल होंगे। मैं इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है। मैं तो पर्सनली DIY करना ज्यादा पसंद करती हूँ, तो मुझे तो ये किट बहुत ही अच्छी लगी। आप लोग भी डेफिनेटली इसे ले सकते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अब हम मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए बाय बाय।